सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम इमेज को गैलरी से कैसे पिक करते हैं जेटपे कंपोज के अंदर। देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला, कुछ इसमें नहीं करने का। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर पिक इमेज डॉट के टी नाम की एक फाइल क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, पिक इमेज फ्रॉम गैलरी करके। इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ मैं कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो मुझे नीड होने वाली है आगे जाके। तो एक पहले हम कॉन्टेक्स्ट गेट कर लेते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट डॉट करेंट। इस तरीके से हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट गेट करते हैं। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है, इमेज वेर बना लेता हूँ, जिसका नाम क्या है इमेज यू आर आई एंड लिखा बाय रिमेंबर, और यहाँ पे लिखना है म्यूटेबल स्टेट ऑफ करके। और ये किस टाइप का होने वाला है, एक यू आर आई टाइप का होने वाला है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए क्रिएट किया बिकॉज़ मुझको वहाँ पर आगे जाके नीड होने वाली है, या नल पास कर दो। अब देखो मुझे यू आर आई की यहाँ पे क्यों नीड पड़ी, इसलिए बिकॉज़ जो भी मैं इमेज पिक करूँगा गैलरी से वो मुझे यू आर आई के फॉर्म में मिलेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ पहले, तो इसको दोबारा से इम्पोर्ट कर लो। तो देखो मैंने इम्पोर्ट सब कुछ कर लिया है, और यहाँ मुझे नल शिफ्ट लगानी है क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर। अब एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है बिट मैप करके, बिट मैप। अब ये बिट मैप यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यू आर आई को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बिट मैप के अंदर, बिकॉज जो भी मैं इमेज शो करवाऊँगा ना वो बिट मैप के फॉर्म में शो करवाने वाला हूँ। तो लिख दिया यहाँ पर बाय एंड लिखो रिमेंबर रिमेंबर देन म्यूटेबल स्टेट ऑफ करके, और ये किस टाइप का होने वाला है, आपका एक बिट मैप होने वाला है एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे नल पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मेरी बारी यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। अब मेरा देखो एक्चुअली मतलब है क्या है कि मैं पहले एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। कॉलम देखो मैंने यहाँ पे क्यों क्रिएट किया, अब चाहता हूँ ना कि जैसे ही मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ ना तो मैं गैलरी में रिडायरेक्ट हो जाऊँ और वहाँ से कोई इमेज को पिक कर सकूँ। तो पहले ये कर दो इसको मॉडिफायर मॉडिफायर इक्वल टू फिल मैक्स विड्थ पास किया, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना वो सेंटर पास कर देता हूँ यहाँ से, एंड डॉट करके पैडिंग दे दो हल्की सी, वर्टिकल 20.dp। इस तरीके से हम लोगों ने एक काम कर दिया, और नीचे एक बटन क्रिएट कर लो। बटन मैंने क्रिएट कर लिया, तो बटन क्रिएट कर लिया देन यहाँ पे एक दो टेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखा कि पिक इमेज फ्रॉम गैलरी। देखो इस तरीके से हम लिख दिया परफेक्ट, और यहाँ पर मैं बाद में काम करूँगा इसे क्लिक पे। अब देखो मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है लॉन्चर करके। अब इसी वेरिएबल के थ्रू हम लोग रीडायरेक्ट हो पाएंगे कहाँ पर, अपने गैलरी के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पे, एक होता है रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग रीडायरेक्ट होंगे गैलरी के अंदर और वहाँ से इमेज को पिक कर पाएंगे। तो पहला पैरामीटर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्ट, और सेकेंड रिजल्ट लेता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्टिविटी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट करके गेट कंटेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, इसके थ्रू मैं कंटेंट गेट कर पाऊँगा। और जो सेकंड आपका होता है ना वो रिज़ल्ट होता है, जहाँ पर हम ये बेसिकली एक फंक्शन है। तो अब इसके अंदर आपका रिज़ल्ट आ रहा होता है, यू आर आई आ रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इमेज यू आर आई जो क्रिएट किया था वेरिएबल उसमें करूँगा, इस यू आर आई को स्टोर करवा दूँगा, नॉट स्टोर इट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको असाइन करवा दिया ये काम। अब मेरा इस इमेज यू आर आई के अंदर मेरा इमेज आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँ ना तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँ कहाँ पर, अपने गैलरी के अंदर। तो क्या करना है, यहाँ बटन पर आना है, तो लॉन्चर डॉट लॉन्च करना है, और मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यू आर आई डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा काम बन चुका है, जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँगा गैलरी में जाके इमेज को पिक कर लूँगा। अब मुझे इमेज को शो करवाना पड़ेगा, तो देखो मैं करूँगा यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा स्पेसर दे दो यहाँ से, स्पेसर यहाँ से, और हाइट पास कर देता हूँ कुछ मैं,
20.tp, ठीक है। अब यहाँ मुझे इमेज शो करवाना है पहली बात तो। अब कैसे करूँगा, देखो मैं पहले चेक करता हूँ कि जो इमेज यू आर आई है उसमें डेटा है कि नहीं है। जब डेटा होगा तभी हमारा शो होगा, तो भाई शो नहीं होगा तो क्या कर दो, इमेज यू आर आई लिखा यहाँ से, देन नल सेफ्टी लगा के यहाँ पर लेट पास कर दो। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास ये इमेज यू आर आई आया उसको बिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करो, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर, नॉट वेरिएबल, ये बिट मैप लिखा है यहाँ पर, वेरिएबल इक्वल टू, पहले इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाने पड़ेगी। पहले मुझे कुछ वर्जन चेक करने पड़ेगी कि जो हमारा अभी मिनिमम एस टी के वर्जन है वो किस पे है यहाँ पर। तो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्ड, बिल्ड डॉट वर्जन डॉट करके यहाँ पर एस डी के इंट, अगर वो लेस देन है 28 से तब ये चलेगा, अदरवाइज एल्स में कुछ और चलने वाला है, ये हमें काम करना है। तो मैं करूँगा यहाँ पर आऊँगा मीडिया स्टोर, मीडिया स्टोर डॉट इमेज, इमेजेस डॉट मीडिया डॉट करके गेट बिट मैप। अभी ये डेप्रिकेट हो चुका है यहाँ पे, गेट बिट मैप, इसलिए बिकॉज ये डेप्रिकेट हुआ बस, यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, बट ये फ्यूचर में रिमूव हो सकता है। तो इसलिए जो एस टी के वर्जन 28 है ना यहाँ पर, उससे अगर लेस है, अगर 28 से लेस है ना, तो ये वर्क करने वाला है गेट बिट मैप, ठीक है। तो आई थिंक अभी 28 कोई बिट यूज़ नहीं करता, बट सपोज़ किसी केस में 28 यूज़ कर रहा है तो ये वाला कोड चलेगा यहाँ पर। और इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट करके कंटेंट रिजॉल्वर, एंड सेकेंड पैरामीटर आएगा आएगा आपका इट आने वाला है। अभी इट कौन सा है, जो यहाँ से यू आर आई था यहाँ पर इट पास कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो इमेज होगा वो बिट मैप पे कन्वर्ट हो जाएगा। एल्स में आते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा सोर्स नाम का, सोर्स इक्वल टू इमेज डिकोडर डॉट करके क्रिएट सोर्स, एंड ये दो पैरामीटर लेगा। पहला जो आपका होने वाला हो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट करके कंटेंट रिजॉल्वर, सेकेंड पैरामीटर इट आने वाला है, ठीक है। एंड नीचे जाने का है और इमेज डिकोड और डॉट करके डिकोड, एंड देन यहाँ पे सोर्स पास करने का, ठीक है, सोर्स पास कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, देखो जो भी यहाँ पर इफ एल्स में चलेगा उसमें जो डेटा रिटर्न होगा वो बिट मैप पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब एक बार में बिट मैप पे जाके स्टोर हो गया तो मैं कर सकता हूँ, नीचे आऊँगा, देन एक इमेज नाम का बनाया और ये अपने अंदर बिट मैप लेने वाला है, तो बिट मैप पास कर सकते हैं यहाँ से, एंड ये बिट मैप लेगा बिट मैप डॉट एज इमेज बिट मैप। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, बिट मैप शो करवा दिया यहाँ से, एंड जो है इसका। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि क्या साइज़ दे सकते हैं यहाँ पर, साइज़ मॉडिफाई जो साइज़, आई थिंक मॉडिफायर इक्वल टू साइज दे दिया मैंने यहाँ पर 200.dp। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक इमेज गेट कर सकते हैं गैलरी से। आई थिंक अब मुझे कुछ नहीं काम करना, ये पिक इमेज फ्रॉम गैलरी को है ना वो मुझे कंपोज एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, पिक इमेज फ्रॉम गैलरी करके। तो एक बार रन कर लेते हैं इस चीज़ को, तो देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। जब मैं पिक इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब देखो मुझे एक इमेज सेलेक्ट कर यहाँ से, तो डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, एंड देखा यहाँ पर मुझे इमेज मिल चुका है। देखो इस तरीके से हम लोग इमेज गेट करते हैं गैलरी से इन जेट पे कंपोज।